हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं एक नया चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इस बारी ह्यूमन आई वाला जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। उसके बाद जो पार्ट है कलरफुल वर्ल्ड, वो इस बारी आ रहा है। तो वही मैं कलरफुल वर्ल्ड आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो पहला टॉपिक मैंने लिया है, जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यानी लाइट जो है प्रिज्म से जैसे ही स्ट्राइक करती है तो वो कैसे बिहेव करेगी, यही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला। देखिए, ये मैंने यहाँ पर प्रिज्म ड्रॉ करा है और जैसे ही वाइट लाइट ऐसे स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि लाइट जो है वो सीधी नहीं जाएगी। तो लाइट जाएगी कैसे, तो आपको भी पता है कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। यानी कि जैसे ही लाइट बाहर से प्रिज्म के अंदर आएगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये ऐसे बेंड करेगी कैसे, टुवर्ड द नॉर्मल। अगर यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे स्ट्रेट चली जाती, लेकिन जैसे लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। यानी लाइट जो है जैसे ही प्रिज्म से बाहर की तरफ निकलेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये ऐसे बेंड कर गई, और इसको जब ऐसे आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ आप देखोगे क्या कि जो इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है वो, और इस रे को हम कहते हैं इमरजेंट रे, और इमरजेंट रे को जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो इसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल डी। यानी डी स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, डी स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है इसको हम कहते हैं इमरजेंट रे। और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली जो, ये जो एंगल है ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक और एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मल, तो एक नॉर्मल और इमरजेंट रे इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है, एंगल ए कहते हैं इसको हम, तो ये क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो इस तरह से जो है ना सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया है कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है, इमरजेंट रे कौन सी होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी रे वो पूछ सकते हैं कि ये वाली रे कौन सी है, या कोई भी जो एंगल इसमें दे देंगे 1 2 3 लिख कर, और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एंगल बन रहा है। ये बहुत छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट।